सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइव क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम स्केड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम स्केड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। सो आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबीआई ट्यूटोरियल में, और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल का 2011 का इंग्लिश क्वेश्चंस, जो कि आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। सो ये सारे आपके वीवीआई और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो अच्छे से कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, नीचे पीपीआई ट्यूटोरियल का लिंक दे रखा हूं, टेलीग्राम चैनल पर जाके सर्च कीजिए, वहां आपको सारे एग्जाम्स के रिलेटेड आपको पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आराम से वहां कीजिए। और टीचमेंट ऐप का जो मैं क्लासेस स्पेशल ले रहा हूं 8 बजे रोज, आप वहां का टाइम टेबल भी जान सकते हो और लिंक भी आपको वहीं पे मिलेगा, कैसे जुड़ना वहीं पे आपको बताया जाएगा। तो आप नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट जाके प्राइवेट क्लासेस को हमारे ज्वाइन कर सकते हो, टीचमेंट ऐप पर पढ़ाया जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए समय ना गवाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस, ठीक है, आपको इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस इसमें खोजना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला से, आई गॉट ऑन द ट्रेन इन आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो देख रखा है आई गॉट ऑन, ठीक है, ये जो गॉट ऑन है ये आपका गलत है। क्या होता है, हम ट्रेन में हम लोग बोर्डिंग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बोर्डिंग, ठीक है। तो बोर्ड लिखिएगा, बोर्ड, आई बोर्ड ऑन द ट्रेन इन आगरा, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया, यानी यही गलत सेंटेंस था। बाकी सबको देख लेते हैं, आई बोर्डेड द ट्रेन इन आगरा, देखिए यहाँ पे बोर्डेड आ गया ना, तो यही आपको बोर्डेड लिखना होगा, आई बोर्डेड ऑन द ट्रेन इन आगरा, तब आपको जाके इस चलते आपका ए गलत हो गया। आई वॉन्ट टू ओपन अ कोऑपरेटिव स्टोर, ठीक है, ये भी आपका सही है। आई इंटर द ट्रेन इन आगरा, ठीक है, ये भी सही है कि हम आगरा में ट्रेन में इंटर किए, ये भी आपका सही है, ठीक है, इंटर, ठीक है। सो यह था आपका पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। Now we will move to our question number 2, and in this question the question is asking you about the correctly spelled word. You have to give the answer that which word is correctly spelled. So you have to answer it, theek hai, so which one is correctly spelled. So first we will look our option number 1, that is 40. Sabse pehle 40 questions pe ऑप्शन पे देखते हैं, तो ये 40 का क्या सही स्पेलिंग है, तो नहीं, एफ ओ आर टी वाई होता है। एड्रेस का क्या स्पेलिंग सही है, नहीं, ए डबल डी होता है, ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस। सी अचीव, अचीव का ये क्या सही स्पेलिंग है, नहीं, अचीव का होता है ए सी एच आई ई वी ई होता है, ठीक है। और डी फ्यूचर, फ्यूचर का सही है, तो फ्यूचर आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो गया, ठीक है। Now we will move to our next question. Next question पे चलिए चलते हैं। So incorrectly written word आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो पहला देख लेते हैं एनीमोर, तो एनीमोर आपका गलत लिखा हुआ यहाँ पे, एनीमोर ए एन वाई एम ओ आर एनीमोर, तो आपका ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। बेसबॉल तो आपका सही है, फुटबॉल भी आपका करेक्ट है, मोर ओवर भी सही है आपका, ठीक है, तीनों आपका सही है, तो इसमें गलत आपका एनीमोर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ना, यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द सिनोनिम ऑफ डिस्कॉट, डिस्कॉट का सिनोनिम क्या होगा ये बता दीजिए। तो डिस्कॉट का आपका सही मीनिंग होगा क्लैश, ठीक है, क्लैश होता है, ठीक है। डिस्कॉट का क्या मतलब होता है पहले ये बता दीजिए, डिस्कॉट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कॉट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। डिस्कॉट का क्या मतलब होता है फास्ट, जल्दी जल्दी। तो कलह, क्या बोलते हैं कलह, कलह, ठीक है, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है, डिस्टेंशन सब चीज, क्वेरल जो भी बोलो, क्लैश, क्लैश का मतलब वही होता है कलह, बोलते हैं कलह कलह, सुबह सुबह कलह मत करो, कभी कभी सुनते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एंटोनिम, ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर तो हर साल एक सवाल रहता ही है। तो एंटोनिम्स आपका इम्प्रेसियस के ऊपर पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखते हैं आपका क्रिंजिंग, इम्प्रेसियस का मतलब क्या होता है, इम्पर्सियस, तो इम्पर्सियस का मतलब होता है शाही, क्या होता है शाही, ठीक है, शाही, ठीक है। क्रिंजिंग का मतलब क्या हो जाता है बताइए, क्रिंजिंग का मतलब हो जाता है आपका चापलूसी करना, क्या चापलूसी करना, यस, चापलूसी करना, चापलूसी करना। स्टर्न का मतलब क्या हो जाता है आपका बता दीजिए, स्टर्न का मतलब क्या हो जाता है आपका, यस, जल्दी से बता दीजिए, हाँ कठोर, कठोर, ठीक है, कठोर हो जाता है इसका मतलब। स्क्वैप का मतलब क्या हो जाता है आपका, स्क्वैप का मतलब बता दीजिए, स्क्वैप का मतलब बता दीजिए जल्दी से, हाँ जेंटल, ठीक है, जेंटल कह सकते हो आपका, एलिजेंट कह सकते हो, ठीक है, ये सब आपको हम्बल कह सकते हो, तो ये आपका हो गया। और डी आपका सिविल, सिविल मतलब नागरिक, ठीक है, तो सी आपका स्क्वैब, आपका जस्ट अपोजिट हो गया इम्पर्सियस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटेन स्टेटेंस, सेंटेंस आपको इसमें करेक्ट रिटेन फाइंड आउट करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटेन सेंटेंस, ठीक है, तो करेक्टली रिटेन सेंटेंस आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो विच वन इज द करेक्ट, तो सबसे पहले माय सन इज अ वेरी गुड इज स्क्वाश, तो इज तो नहीं होगा, क्या होगा इन स्क्वाश होगा, क्या होगा इन स्क्वाश, इज तो नहीं होगा, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है, आपका ये गलत हो गया, ओके, तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। दूसरा है माय सन इज वेरी गुड एट स्क्वाश, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है, अगर इन भी रहता ना इसके जगह पे तो भी ये गलत था, माय सन इज वेरी गुड इन स्क्वाश, ये भी गलत कहलाएगा, एट स्क्वाश होगा, ठीक है। आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी गुड, ठीक है, स्पीक यहाँ पे गलत है आपका, ठीक है, स्पीक आपका गलत है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी गुड, यहाँ पे स्पीक नहीं होगा, ठीक है, गुड के साथ, ठीक है, हाँ। और चौथा हैव यू एवर गॉन टू फ्रांस, ये भी आपका सही है, तो आपका बी और सी दोनों सही है, ठीक है, बी और सी दोनों सही आपका हो सकते हैं यहाँ पे, हाँ। लेकिन ज़्यादा मैं देखिए क्वेश्चंस कभी कभी रहता है ना, ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि आपको चुनना होगा कि सही ज़्यादा कौन है और कम सही कौन है, बात समझिए यहाँ पे, क्वेश्चंस में ऑप्शंस कभी कभी ऐसा रहेगा ना कि आपको कहते हैं ना कि आपको दोनों गलत है तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन अच्छा है, तो आपको कम गलत और ज़्यादा गलत में डिसाइड करना है, तो यहाँ पर आपको डी चुनना होगा, ठीक है, कि हैव यू एवर गॉन टू फ्रांस, ठीक है, बी भी सही है आपका, माय सन इज वेरी गुड एट स्क्वाश, लेकिन आपको ज़्यादा यहाँ पे सही चुनना होगा। तो ऐसा क्वेश्चंस कभी कभी एग्जामिनर पुट करते हैं कि जिसमें आपको कंफ्यूज किया जाए, जैसे कि आपको केमिस्ट्री में पता ही है कि क्वेश्चंस एक बार पूछा गया था कॉपर का आपको कंपोजिशन बताना है, ठीक है, तो उसमें 70-30 होना चाहिए था आंसर, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं, तो ऑप्शन में था 80% और 20% जो कि सही था। तो यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी आपको एक नियर वैल्यू लेके चलना पड़ता है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करना होगा, ठीक है, बात समझ में क्या मैं कहना चाह रहा था, तो ये ज़रूर कीजिएगा और ये होगा भी, 2 से 3 प्रश्न आपको दिखेगा ऐसा कि जिसमें आपको कम सही और ज़्यादा सही में डिफरेंस करके आपको ज़्यादा सही वाला को टिक करना होगा, तो एग्जामिनेशन में ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चन सारा अटैम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, 90 out of 90, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आराम से आप सब आइएगा करके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज लिविंग बोथ ऑन द लैंड एंड इन वाटर। तो ये तो क्वेश्चंस आपका, मैं बताऊं ये आपका डायरेक्टली 2017 या 18 का क्वेश्चंस जाके देखिएगा, किसी ईसी ईयर्स में आपका आया था एम्फीबियन के ऊपर। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आपका रिपीट होता, तो ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, जाके 2015 से 18-19 के बीच में देखिएगा, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन एम्फीबियन के ऊपर डायरेक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो आई ऑलवेज टेल यू दैट क्वेश्चंस आर रिपीट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल कि आपका प्रीवियस ईयर बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन। जो इसको अच्छे से कर लिया साइंस इंग्लिश जितना भी मैं करा रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। तो जितने भी वर्ड्स हैं उसका सबका मीनिंग लिख के आप याद कर लो, क्या पूछा है उसको याद कर लो, डिटेल में क्या होता है, एक्स्ट्रा थ्योरी ऑन एवरी क्वेश्चंस जो भी करा रहा हूँ मैं उसको अच्छे से करो, तो आपका क्यों नहीं अच्छा होगा, बात समझ में आ रही है। तो आप डिटेल में करो, आपको सब अच्छा जाएगा, ठीक है। साइंस के लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, साइंस के लिए PPI इज हेयर, ठीक है, साइंस इंग्लिश PPI आपके लिए हमेशा रहेगा। और नेक्स्ट सेशन से मैं हर सब्जेक्ट्स में आपको कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन से जो आपके जूनियर्स आएंगे, आपके भाई बहन आएंगे, आपके छोटे भाई बहन आएंगे, उन सबको आप PPI रिकमेंड कीजिएगा। जैसे एक रिकमेंड पे क्वेश्चन आया था ना कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा रिकमेंड का, तो रिकमेंड कीजिएगा PPI, ठीक है, PPI को फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है, और अच्छा और बेहतरीन और बेहतर होकर PPI समय के साथ इंक्रीज होते रहेगा ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टाइम, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्वालिटी भी बढ़ते जाएगा, PPI पे घटेगा नहीं कभी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सो ऑन जो आपका एनिमल जो बोथ लैंड और वाटर पे रहे, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। और ये क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर्स में भी देखे होंगे, 2015 से या 17-16 में हुए, एक बार चेक कर लेना। तो सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, सी आपका सही है, ठीक है, हाँ, तो आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जाम्पल दे देना, तो एम्फीबियन का एग्जाम्पल्स दे दीजिएगा, बायोलॉजी का प्रश्न है, एम्फीबियंस का 2-4 एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है, देखते हैं इस बार गर्ल्स जीतती हैं कि बॉयज, हु विल विन दिस कमेंट बैटल, कमेंट वाला बैटल कौन जीतेगा, कमेंट सबसे ज़्यादा किसका आएगा, गर्ल्स का आएगा इस आंसर का कि बोथ कि बॉयज विल विन। इस बार भी लगता है गर्ल्स ही जीतेंगी, आई सो थिंक सो। एम्फीबियंस का 2-4 एनिमल्स का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। What is the correct word to describe the secret understanding in order to deceive something? Conclusion, collusion, collision, captive, या elusive? यानी secret understanding in order to deceive somebody, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बता दीजिए। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपका A कॉल्यूजन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कॉल्यूजन। तो कॉल्यूजन का मतलब ही होता है कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू डिसीव समबडी, ठीक है, और कॉलिजन का मतलब तो आपको पता है क्रैश हो जाना, कॉलिजन क्रैश हो गया, ठीक है, क्रैश हो जाना, ठीक है, कोलाइड हो जाना, टकरा जाना इंसान का, बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने छोड़ दिए जैसे एम्बिगियस, ये सब वर्ड्स को भी आपको करना होगा, ठीक है, सी तो आपको मैंने बता दिया, अब कौन जीत, कौन अच्छा स्कोर करेगा जो ए बी और डी तीनों वर्ड्स का मतलब जान ले। तो तीनों वर्ड्स का मतलब आपको पता है, नहीं पता है तो उसको डिक्शनरी में देखिए, नहीं तो हम बता देते हैं अभी। सो आपका एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से ज़्यादा आपका पॉसिबल मीनिंग हो, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है, एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग हो, ठीक है। फिर आपका ये बी ऑप्शंस का क्या मतलब होगा, ठीक है, एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होगा, तो इसका होगा एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी सिंपल भाषा में बोलो वायरस, कहाँ का वायरस, थ्री इडियट्स मूवी का, ठीक है, थ्री इडियट्स का वायरस दोनों हाथ से लिख सकता था ना, तो वही है वायरस, याद आ गया मूवी, जो जो प्रिंसिपल थे वायरस का, जो उन्होंने किरदार निभाया था थ्री इडियट्स मूवी में, वही दोनों हाथ से लिख सकते थे, तो वो आपका हो गया, ठीक है, एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, ठीक है। और चौथा का आपका
हेडनिस्ट का मतलब क्या होगा, पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एक इंसान जो मानता है कि प्लेजर ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो उसका लाइफ में, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट, पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिटेल हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो चुका है। अब बाकी ये सब वर्ड्स का मीनिंग जान लीजिएगा तो आपको और आसानी होगा। तो मैंने ए बी का तो बता दिया, अब सी डी का बताइए। सी डी का बताइए क्या होगा मतलब, सी डी का बताइए। तो सी डी का आपका होमवर्क है, कॉमेंट में करिएगा, कैप्टिविट और इल्यूसिव का, ठीक है। 9 पे चलते हैं, बुक्स, ठीक है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज टेकन फ्रॉम अ बुक रिटन बाय टैगोर, केट्स, नेहरू, टेनिसन। तो किनके द्वारा ये लिखा गया है बता दीजिए, ये बुक किनके द्वारा लिखा गया? तो ये टैगोर के द्वारा लिखा गया, ठीक है। वेयर द माइंड इज फ्री, ठीक है। तो ये आपका लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स बॉयहुड वॉज स्पेंड, कहाँ पे बचपन अपना गुजारा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? लंदन, स्कॉटलैंड, इंडिया, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। सो ये आपके स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो बेस्ट नोन जाने जाते हैं आपको पता ही है, पेनिसिलिन का खोज के लिए, पेनिसिलिन का खोज के लिए इन 1928, ठीक है। ये एक तरह का सबसे पहला एंटीबायोटिक था, एंटीबायोटिक, ठीक है। पेनिसिलिन का इनको नोबेल प्राइज भी मिला 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में। तो इनका बॉयहुड आपका स्कॉटलैंड में गुजरा, ठीक है। तो 10 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन आपका ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये था 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का यही मुख्य टिप है, आराम से स्टोरी पढ़िए, रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लीजिए, पूरा साइंस का जितना भी कराऊँ आपका अच्छा ही जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए और मॉडल पेपर ज़रूर दीजिए, 12 मॉडल पेपर टेस्ट हो चुके हैं अभी तक साइंस और इंग्लिश मिला के, ठीक है। और जीके भी का अभी मैं करा रहा हूँ तो अच्छे से कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF और मॉक टेस्ट पूरा टाइम से होगा, स्टूडेंट सब वहीं पे टेस्ट देते हैं। और टीचमेंट ऐप अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ निशुल्क हम लोग आपको कोचिंग प्राइवेट में भी देते हैं, ठीक है, 8 बजे से 8 PM डेली नाइट में एग्जाम तक, एज आई प्रॉमिस्ड। तो अपना प्रॉमिस मैंने फुलफिल किया, ठीक है। अब अपना आप प्रॉमिस फुलफिल कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर और क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और एग्जाम नज़दीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।